जय हिंद दोस्तों, आई एम अरमान सर। आप हमारा चैनल देख रहे हैं रियल मैथ बाई अरमान सर। इसमें आज आपको हम सिखाने वाले हैं गुणा करना। गुणा करना देखिए, अगर आप गुणा करना चाहते हैं, आपको गुणा करना सभी को आता है, मगर सिंपल आता है, सिंपल मेथड से आता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम में आता है आपको। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना जल्दी से सीखना चाहते हैं, जल्दी से करना आना चाहिए, वन लाइन करना आना चाहिए अगर आपको सीखना चाहते हैं, तो देखिए आगे हम कैसे बताते हैं आपको कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको मैं से मल्टीप्लाई करने के देते हैं, तो आप सिंपल विधि से करते हैं आराम से। 5 4 20 कैरी आया 2, 5 5 20 और 2 27, फिर 4 की पारी आई, 4 4 16 कैरी 1, 4 5 20, 1 कितना होगा 21, इसको ऐड कर लेते हैं आप, ऐसे आपका आंसर आ जाता है। मगर हम आपको बताने जा रहे हैं एक लाइन में आंसर कैसे आएगा, वो आज आपको हम सिखाते हैं। इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को समझिए। ये क्रॉस, ये देखिए, ये सीधी लाइन है, ये क्रॉस लाइन है, ये सीधी लाइन है। देखिए देखने में थोड़ा अजीब गरीब लग रहा है, मगर ये अपन क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगा आराम से। देखिए देखिए, अगर मान लिखा 3 4, यहाँ 2 5, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ सीधा है, तो यहाँ इसको सीधा समझिए, इसके 5 4 20 कैरी 2, हासिल कितना है हमारा 2 आया। अब इसकी पारी हमारी हो गई ना, देखिए सीधा सीधा हमने गुणा कर दिया कि नहीं। अब किसका गुणा करना है, हमको तिरछा गुणा करना है, 4 5 3 15, 2 4 8, 15 और 8 को ऐड करेंगे 23 आएगा, और कैरी कितना है 2, कितना होगा हमारा 25 का 5 और कैरी कितना आया 2 अगेन। अब इसकी पारी हमारी आई, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा देखिए 2 3 6 और कैरी 2 कितना हो गया 8। देखिए आपका एक लाइन में आंसर आ गया। नहीं समझ में आया दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3 लिखे हैं, 4 मल्टीप्लाई करना है। नियम हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या है, पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं मालूम है ना आपको। तो यहाँ क्या होगा बताइए, 4 7 20 कैरी 2, यहाँ 2 अलग से लिख लीजिए। अब क्रॉस की पारी आई, क्रॉस क्या होता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम लोग, 4 का पारा 5, ठीक है। तो 4 5 कितना होगा हमारा 20, और 3 7 कितना होगा 21, 20 और 21 को ऐड करेंगे 41, और कैरी मार कितना आया था 2, तो 41 2 कितना हो गया 43, 3 का 3 कैरी आया 4, ठीक। अब इसकी पारी हमारी आई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना हमको, 3 5 15 और 4 कितना हो गया 15 और 4 19, ये आपका एक लाइन में आंसर आ गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए हमें। थैंक यू दोस्तों।